हेलो फ्रेंड्स, आज के पांच इंग्लिश शब्द जिसका हम हिंदी में मतलब समझने वाले हैं वो है डन, डिजर्व, परफॉर्मेंस, लर्न और एक्सपीरियंस। इन पांच इंग्लिश शब्दों के एग्जांपल सेंटेंसेस और लास्ट में एक्सरसाइज भी देखेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज का पहला शब्द जिसका हम हिंदी में मतलब समझने वाले हैं वो है डन। डन का हिंदी में मतलब होता है कर दिया या कह सकते हैं किया। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो कर दिया या किया, तो वहाँ पर आप डन शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। आइए इसके थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, आई हैव डन माय वर्क, यानी मैंने अपना काम कर दिया। दूसरा एग्जांपल, ही हैज डन हिज जॉब, मतलब उसने अपना काम कर दिया। तीसरा एग्जांपल, यू हैव डन इनफ फॉर टुडे, यानी आपने आज के लिए काफी कुछ किया है। चौथा एग्जांपल, आई शुडंट हैव डन दैट, मतलब मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और उसका लास्ट एग्जांपल दो तो, डू यू नो व्हाट ही हैज डन, यानी क्या आप जानते हैं कि उसने क्या किया है। फ्रेंड्स, डन शब्द का दूसरा मतलब होता है अच्छी तरह से पकाया हुआ। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो अच्छी तरह से पकाया हुआ, तो वहां पर भी आप डन शब्द यूज कर सकते हो। इसे दो एग्जांपल से समझते हैं। पहला एग्जांपल, द राइस इज नाइसली डन, यानी चावल अच्छी तरह से पक गए हैं। दूसरा एग्जाम्पल, द राजमा इज नाइसली डन, मतलब राजमा अच्छी तरह से पक गए हैं। फ्रेंड्स, डन शब्द का तीसरा मतलब होता है खत्म होना, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अस्तित्व में ना रहना। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो खत्म होना या अस्तित्व में ना रहना, तो वहां पर भी डन शब्द इस्तेमाल होता है। आइए इसके तो एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, हिज गुड डेज आर डन, यानी उसके अच्छे दिन खत्म हो गए हैं। दूसरा एग्जांपल, हिज करियर इज डन, मतलब उसका करियर खत्म हो गया है। फ्रेंड्स, डन शब्द का चौथा मतलब होता है करना। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो करना, तो वहां पर भी डन शब्द लगता है। इसे दो एग्जांपल से समझते हैं। पहला एग्जांपल, समथिंग नीड्स टू बी डन अबाउट इट, यानी इसके बारे में कुछ करने की जरूरत है। दूसरा एग्जांपल, यू शुड हैव डन समथिंग टू सेव हिम, मतलब आपको उसे बचाने के लिए कुछ करना चाहिए था। फ्रेंड्स, डन शब्द का पांचवा मतलब होता है पूरा करना। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो पूरा करना, तो वहां पर भी डन शब्द लगता है। आइए इसके दो एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, हिज कार हैड डन 100 किलोमीटर्स, यानी उसकी कार ने 100 किलोमीटर पूरा कर दिया था। दूसरा एग्जांपल, माय स्कूटर हैज डन 50 किलोमीटर्स, मतलब मेरे स्कूटर ने 50 किलोमीटर पूरा कर दिया है। फ्रेंड्स, आज का दूसरा शब्द जिसका हम हिंदी में मतलब समझने वाले हैं वो है डिजर्व। डिजर्व का हिंदी में मतलब होता है लायक होना या कह सकते हैं हकदार। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो लायक होना या हकदार, तो वहां पर आप डिजर्व शब्द यूज कर सकते हो। आइए इसके थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, ही डिजर्व्स द अवार्ड, यानी वह पुरस्कार के हकदार है। फ्रेंड्स, हमने यहाँ शब्द इस्तेमाल किया है डिजर्व्स, क्योंकि हम यहाँ पर तीसरे व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं। पहला व्यक्ति हुआ मैं, दूसरा व्यक्ति हुए आप और तीसरा व्यक्ति हुआ कोई और। तो यहाँ पर हम कोई और जो कि है ही, उसके बारे में बोल रहे हैं, और ऐसे केसेस में क्रिया के पीछे एस लगता है, तो इसलिए हमने कहा है ही डिजर्व्स द अवार्ड। दूसरा एग्जांपल, आई डोंट डिजर्व टू गेट दिस, मतलब मैं यह पाने के लायक नहीं हूँ। तीसरा एग्जांपल, ही डिडंट डिजर्व टू गेट द पनिशमेंट, यानी वह सजा पाने के लायक नहीं था। चौथा एग्जांपल, टॉम डिजर्व्स टू विन, मतलब टॉम जीत के हकदार है। और इसका अगर लास्ट एग्जांपल दो तो, आई थिंक यू डिजर्व दिस, यानी मुझे लगता है कि आप इसके लायक है। फ्रेंड्स, डिजर्व शब्द का दूसरा मतलब होता है पात्र। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो पात्र, तो वहां पर आप डिजर्व शब्द का यूज कर सकते हो। आइए इसके दो एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, दे डिजर्व रिस्पेक्ट, यानी वे सम्मान के पात्र है। दूसरा एग्जांपल, यू डिजर्व द प्राइज, मतलब आप पुरस्कार के पात्र है। फ्रेंड्स, आज का तीसरा शब्द जिसका हम हिंदी में मतलब समझने वाले हैं वो है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस का हिंदी में मतलब होता है प्रदर्शन। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो प्रदर्शन, तो वहां पर आप परफॉर्मेंस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। आइए इसके थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, हिज परफॉर्मेंस इन द एग्जाम वाज गुड, यानी परीक्षा में उनका प्रदर्शन अच्छा था। दूसरा एग्जांपल, योर डांस परफॉर्मेंस वाज स्टनिंग, मतलब आपका नृत्य प्रदर्शन शानदार था। तीसरा एग्जांपल, हिज एक्टिंग परफॉर्मेंस गॉट द फर्स्ट प्राइज, यानी
उनके अभिनय प्रदर्शन को पहला पुरस्कार मिला। चौथा एग्जाम्पल, आई एम प्लीज्ड विद टॉम्स परफॉर्मेंस, मतलब मैं टॉम के प्रदर्शन से खुश हूँ। और उसका लास्ट एग्जाम्पल दो तो, डिड यू लाइक माई परफॉर्मेंस, यानी क्या आपको मेरा प्रदर्शन पसंद आया। फ्रेंड्स, परफॉर्मेंस शब्द का दूसरा मतलब होता है अभिनय। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो अभिनय, तो वहां पर भी परफॉर्मेंस शब्द लगता है। आइए इसके दो एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, हिज परफॉर्मेंस इन द मूवी वाज गुड, यानी फिल्म में उनका अभिनय अच्छा था। दूसरा एग्जांपल, एवरीवन अप्रिशिएटेड हिज परफॉर्मेंस इन द ड्रामा, मतलब सभी ने ड्रामा में उनके अभिनय की सराहना की। फ्रेंड्स, परफॉर्मेंस शब्द का तीसरा मतलब होता है काम पूरा करना। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो काम पूरा करना, तो वहां पर भी परफॉर्मेंस शब्द यूज होता है। आइए इसके दो एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, टॉम इज केयरलेस इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज, यानी टॉम अपने कर्तव्यों को पूरा करने में लापरवाह है। दूसरा एग्जाम्पल, योर ड्रिंकिंग इज अफेक्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ योर ड्यूटीज, मतलब आपके पीने से आपके कर्तव्यों को पूरा करना प्रभावित हो रहा है। फ्रेंड्स, आज का चौथा शब्द जिसका हम हिंदी में मतलब समझने वाले, वो है लर्न। लर्न का हिंदी में मतलब होता है सीखना। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो सीखना, तो वहां पर आप लर्न शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। आइए इसके थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, आई लर्न टू कुक यस्टरडे, यानी मैंने कल खाना बनाना सीखा। दूसरा एग्जाम्पल, यू शुड लर्न टू मेक एफिशियंट यूज ऑफ योर टाइम, मतलब आपको अपने समय का कुशल उपयोग करना सीखना चाहिए। तीसरा एग्जाम्पल, वॉट डिड यू लर्न टूडे, यानी आपने आज क्या सीखा। चौथा एग्जाम्पल, You learn quickly, मतलब आप जल्दी सीखते हैं। और इसका लास्ट एग्जाम्पल दो तो, I must learn French, यानी मुझे फ्रेंच सीखना चाहिए। फ्रेंड्स, लर्न शब्द का दूसरा मतलब होता है जानना, या कह सकते हैं पता चलना, या कह सकते हैं मिलना। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो जानना, पता चलना या मिलना, तो वहां पर भी लर्न शब्द का इस्तेमाल होता है। आइए इसके थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, आई लर्न दैट दे हैड ईटन ऑलरेडी, यानी मुझे पता चला कि वे पहले ही खा चुके थे। दूसरा एग्जाम्पल, आई लर्न द न्यूज फ्रॉम माई फ्रेंड, मतलब मुझे अपने दोस्त से खबर मिली। और इसका अगर लास्ट एग्जाम्पल दो तो, आई लर्न अबाउट द सिचुएशन फ्रॉम माई फ्रेंड, यानी मैंने अपने मित्र से स्थिति के बारे में जाना। फ्रेंड्स, लर्न शब्द का तीसरा मतलब होता है रटना। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो रटना, तो वहां पर भी लर्न शब्द का आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। डोंट ट्राई टू लर्न द पोएम, यानी कविता को रटने की कोशिश मत करो। फ्रेंड्स, आज का लास्ट शब्द जिसका हम हिंदी में मतलब समझने वाले, वो है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस का हिंदी में मतलब होता है अनुभव। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो अनुभव, तो वहां पर आप एक्सपीरियंस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। आइए इसके थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, योर एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, यानी आपका अनुभव सबसे अच्छा शिक्षक है। दूसरा एग्जांपल, हाउ मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस डू यू हैव, मतलब आपके पास कितने साल का अनुभव है। तीसरा एग्जांपल, हिज एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग गॉट हिम द जॉब, यानी काम करने के उनके अनुभव से उन्हें काम मिला। चौथा एग्जाम्पल, ही लैक्स एक्सपीरियंस, मतलब उसे अनुभव की कमी है। और उसका लास्ट एग्जाम्पल दो तो, ही गॉट अ बैड एक्सपीरियंस, यानी उसे एक बुरा अनुभव मिला। फ्रेंड्स, एक्सपीरियंस शब्द का दूसरा मतलब होता है सामना करना। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो सामना करना, तो वहां पर भी एक्सपीरियंस शब्द लगता है। इसे दो एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल, द कंपनी इज एक्सपीरियंसिंग डिफिकल्टीज, यानी कंपनी कठिनाइयों का सामना कर रही है। दूसरा एग्जाम्पल, ही इज एक्सपीरियंसिंग प्रॉब्लम्स इन रनिंग द कंपनी, मतलब वह कंपनी चलाने में समस्याओं का सामना कर रहा है। फ्रेंड्स, एक्सपीरियंस शब्द का तीसरा मतलब होता है होना। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना होना, तो वहां पर आप एक्सपीरियंस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। इसे दो एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल, ही इज एक्सपीरियंसिंग पेन इन हिज स्टमक, यानी उसके पेट में दर्द हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल, ही इज एक्सपीरियंसिंग सम ट्रबल इन ड्राइविंग द कार, मतलब उसे कार चलाने में थोड़ी परेशानी हो रही है। फ्रेंड्स, एक्सपीरियंस शब्द का चौथा मतलब होता है अनुभूति। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो अनुभूति, तो वहां पर एक्सपीरियंस शब्द लगता है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। यू विल एक्सपीरियंस जॉय इन दिस, यानी इसमें आपको आनंद की अनुभूति होगी।
फ्रेंड्स, अब थोड़ा एक्सरसाइज कर लेते हैं। जो पांच शब्द हमने इस वीडियो में देखा, ऊपर विकल्प के तौर पे दिए गए हैं, आपको इन पांचों विकल्प में से एक विकल्प इस खाली जगह पर रखना है और इस सेंटेंस को पूरा करना है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, टॉम डैश अ प्रमोशन, यानी टॉम एक पदोन्नति के डैश है। तो यहाँ शब्द लगेगा डिजर्व्स, टॉम डिजर्व्स अ प्रमोशन, टॉम एक पदोन्नति के हकदार है। दूसरा क्वेश्चन, हैज द डैश स्टार्टेड, मतलब क्या डैश शुरू हो गया है। तो यहाँ शब्द लगेगा परफॉर्मेंस, हैज द परफॉर्मेंस स्टार्टेड, क्या प्रदर्शन शुरू हो गया है। तीसरा क्वेश्चन, ही डैश टू स्विम, यानी उसने तैरना डैश लिया। तो यह शब्द लगेगा लर्नड, ही लर्नड टू स्विम, उसने तैरना सीख लिया। फ्रेंड्स, हमने यहाँ शब्द इस्तेमाल किया है लर्नड, जो लर्नड शब्द का भूतकाल होता है। अब क्योंकि ये सेंटेंस भूतकाल में है, इसलिए हमें इस शब्द का ही भूतकाल लगाना होगा। अगला क्वेश्चन, शी मस्ट हैव डैश इट यस्टरडे, मतलब उसने कल ही डैश होगा। यहाँ शब्द लगेगा डन, शी मस्ट हैव डन इट यस्टरडे, उसने कल ही किया होगा। अगला क्वेश्चन, ही हैड अ टेरिबल डैश, यानी उसे एक भयानक डैश हुआ। तो यहाँ शब्द लगेगा एक्सपीरियंस, ही हैड अ टेरिबल एक्सपीरियंस, उसे एक भयानक अनुभव हुआ। अगला क्वेश्चन, यू डैश टू गेट अ गिफ्ट फ्रॉम मी, मतलब तुम मुझसे एक उपहार पाने के डैश हो। तो यह शब्द लगेगा डिजर्व, यू डिजर्व टू गेट अ गिफ्ट फ्रॉम मी, तुम मुझसे एक उपहार पाने के लायक हो। अगला क्वेश्चन, एवरीवन क्लैप्ड आफ्टर ही गेव हिज डैश, यानी उनके डैश के बाद सभी ने ताली बजाई। तो यह शब्द लगेगा परफॉर्मेंस, एवरीवन क्लैप्ड आफ्टर ही गेव हिज परफॉर्मेंस, उनके प्रदर्शन के बाद सभी ने ताली बजाई। अगला क्वेश्चन, ही लाइक्स टू डैश न्यू थिंग्स, मतलब उसे नई चीजें डैश पसंद है। तो यह शब्द लगेगा लर्न, ही लाइक्स टू लर्न न्यू थिंग्स, उसे नई चीजें सीखना पसंद है। अगला क्वेश्चन, इफ यू हैव डैश देन यू विल गेट द जॉब, यानी अगर आपके पास डैश है तो आपको काम मिलेगा। तो यह शब्द लगेगा एक्सपीरियंस, इफ यू हैव एक्सपीरियंस देन यू विल गेट द जॉब, अगर आपके पास अनुभव है तो आपको काम मिलेगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन, आई हैव डैश द वर्क दैट यू गेव मी, मतलब आपने मुझे जो काम दिया वो मैंने डैश है। तो यह शब्द लगेगा डन, आई हैव डन द वर्क दैट यू गेव मी, आपने मुझे जो काम दिया वो मैंने किया है। फ्रेंड्स, अगर आप इस लेक्चर को और भी बेहतर तरीके से समझना चाहते हो तो मैंने उसके लिए एक ई बुक बनाया है और आप इसे मेरे ऑनलाइन स्टोर से बहुत ही कम दाम में परचेज कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो, इसमें मैंने सारे नोट्स हिंदी में बनाए हैं। लास्ट में मैंने एक्सरसाइज भी रखा हुआ है और इससे आपको पता चलेगा कि आपको इस लेक्चर से कितना समझ आया। मैं इस ई बुक का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में रख रहा हूँ। और जिन जिन लोगों ने मेरे पिछले वीडियो का नोट्स खरीदा है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जब आप ऐसे करते हैं तो आपको भी मदद मिलता है और इससे मुझे भी वीडियोज बनाने में प्रेरणा मिलती है। तो इसी तरह आपका प्यार दिखाते रहिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने पांच इंग्लिश वर्ड्स का हिंदी में मतलब देखा। ये पांच वर्ड्स थे डन, डिजर्व, परफॉर्मेंस, लर्न और एक्सपीरियंस। अगर आपको इस वीडियो में से कुछ भी मदद मिला हो तो जरूर इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए। आप नीचे कमेंट्स में अपना सजेशंस दे सकते हैं। अगर आप मेरे वीडियोस के फ्यूचर नोटिफिकेशंस चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाइए और पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए, ताकि जब जब मैं वीडियोस को अपलोड करूं वैसे ही आपको उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहे। पिछले वीडियो का सवाल, लाइफ इज डैश ऑफ लिटिल थिंग्स, मतलब जीवन छोटी छोटी चीजों से डैश है। तो यह शब्द लगेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको इस सवाल का जवाब पता हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दे दीजिए, और अगर आपको इस सवाल का जवाब ना पता हो तो आप मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हो। उसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन में रखा हुआ है, उस वीडियो को देखकर आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।